मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। वह पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुए, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है और उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की वापसी तय है। अखिलेश यादव का ये बयान उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पहले वाले हारेंगे, इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी, जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन मना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर, रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है, आज भी खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए, पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हो, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि वन इलेक्शन वन नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे, रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोला करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। चुनाव को लेकर किस तरीके से, मैंने कहा कि जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। देखिए, कांग्रेस ने आपत्ति किया कि इनको, देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए, क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम यह है कि बजट ना मिलना नंबर एक। नंबर टू, वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी के वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1906 में जिस तरीके से अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, भारत को विभाजन करा, लेकिन वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है मुस्लिम लीग की। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा, वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है, उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे, इसलिए वस्त्र से नहीं विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, मथुरा में पत्रकार पर हमला हुआ था, वो ये केवल मथुरा में नहीं, जालौन में कपड़े उतार दिए थे। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग सब वो ही हैं जो समाजवादी का समर्थन करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ न्यूज चला दो तो कभी एसओ का फोन आता होगा,
कभी कोई बड़े अधिकारियों का फोन आता होगा, इसलिए भी आप सावधान रह करके हमारी मदद करिए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। देखा जाए तो अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा और कटहरी उपचुनाव में उनकी सक्रियता सपा की चुनौती तैयारियों को दर्शाता है। जनसभा में उनके भाषण से ये साफ हो गया है कि पार्टी आगामी चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।